ये सिचुएशन डिफरेंट है उससे जो ईस्ट पाकिस्तान की थी एक तो ईस्ट पाकिस्तान के लोग उनके खिलाफ हो चुके थे दूसरा जो फौज का जो जो फौज की तरफ से किया गया था जो या खान ने करवाया था उसके ऊपर समझौते का कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता था अवाम्नास के साथ और एक जबरदस्त तहरीक चल रही थी जो खूनी तहरीक थी और फिर इंडिया जो था वो बरह रास्त मुलवस था तो ये चार पांच फैक्टर ऐसे थे कि उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया और कुछ ना बन सका और फिर एक बात थी डिफेंस की कि उस वक्त तो आप अटोमिक पावर नहीं थे इंडिया ने डायरेक्टली मिलिटेरियली चार्ज करके उस हिस्से को अलग कर दिया अब शायद उसके लिए करना कन्वेंशनली पॉसिबल नहीं है बिकॉज यू आर न्यूक्लियर पावर जिसकी एक तरह से एक इनडिफेंसिबिलिटी नहीं है बल्कि डिफेंस बल्किबिलिटी है यानी एक इनिटेबिलिटी का मसला है इंडिया के लिए हाँ अलबत्स ऑफ ईवल है जैसे मुसायद है और रॉ है और भी एजेंसीज हैं आप एक स्ट्रेटिकली लोकेटेड कंट्री हैं यू आर एन ईडोलॉजिकल इस्लामिक स्टेट या आप एटॉमिक पावर हैं वो समझते हैं कि इनको नहीं रहना चाहिए इस सफाई हस्ती से इसमें कोई शक नहीं है लेकिन और मुल्कों के भी स्टेक्स हैं हमारी एग्जिस्टेंस के साथ इसलिए वो सिचुएशन जो नहीं है अलबत् जो इंटरनल क्राइसिस जरूर है जिसमें इकोनॉमिक वो सर फहरस्त है जिसको ओवरकम करना और उसको आ, हल करना बहुत ज्यादा जरूरी है अब इसके लिए बैठ जाए बहुत देर से सारे लोग भे सब आप भी कहते रहते हैं और भी अहल राय कहते रहते हैं कि भाई पार्ले टेबल पर क्यों नहीं बैठते मिसाइल का हल क्यों नहीं करते आप कहते हैं इलेक्शन इलेक्शन के लिए मुस्लिम लीग की लीडरशिप ने बहुत दफा कहा है कि आए बैठ जाए डेट आगे पीछे भी हो सकती है इसको तय किया जा सकता है कंसेंसस डेवलप किया जा सकता है लेकिन नफरतों की और दूरियों की फिजा जो आड़े आ रही है सो मच सो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोशिश की जो कोशिश एक सही अभी तक साबित हुई है